वेरी गुड मॉर्निंग इन मनाली। और आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, आज हमारी लास्ट मॉर्निंग है। आज हम लोग जा रहे हैं शाम को यहाँ से, और मैं थोड़ी देर बाद होम टूर दूंगा, बट अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं चाय पीऊँगा थोड़ा, उसके बाद फिर नाश्ते के लिए बोल के आना है, ब्रेकफास्ट के लिए भी बोल के आना है नीचे। और यस, आई विल मिस द माउंटेन्स, आई विल मिस द वाइब। कोई नहीं, तो अभी चलता हूँ नीचे। यहाँ पे अभी मैंने चाय पी ली है, सामने वो रिवर वाला व्यू है और काफ़ी अच्छी वाइब है। यहाँ से मैंने चाय ली है सामने से, और ये हमारा होटल है, ये वाला रूम है हमारा। यस, ये वाला रूम है हमारा। यहाँ पे मैंने अभी चाय पी ली है और बस अभी मैं नाश्ते के लिए बोल देता हूँ होटल में, देन उसके बाद नाश्ता करके फिर चेकआउट करना है यार। ये अभी ऊपर बन रहा है, इसका थर्ड फ्लोर। वहाँ से प्रिया मेरे को देख रही है, जल्दी नहीं आ रहा, तुम्हें शायद नहीं दिख रही होगी, देखो वो दिख रही है वाइट उधर, ये यहाँ पे खड़ी है, हल्की सी शेडो दिखेगी। खोलो, मजा आ गया सिर्फ बेल बजाने में। तुम मेरे को ऊपर से देख रहे थे ना, ये ब्लर क्यों आ रही है, ऐसा मैंने क्या कर दिया, अभी सही है। तुम मेरे को ऊपर से देख रहे थे ना, तो चाय तो पी है, जुर्म थोड़ी कर दिया, जुर्म थोड़ी कर दिया मैंने। तो अभी हम पैकिंग थोड़ा सा रूम थोड़ा ठीक सा कर लेंगे, उसके बाद मैं मतलब रूम टूर दिखाऊंगी आपको। ये मैसेज मैं टिक शॉट लेता हूं। चलो, ये हमारे होटल में इतना बड़ा स्पाइडरमैन निकला है, देखो यार कितना बड़ा है ना इधर साइड पे। बट ये ऐसा भी हो सकता था कि हम रात में सो रहे हो तो हमारे कान वान में घुस जाता फिर, है ना। ऐसे मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता था ना। प्लीज स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, नहीं आएगा इधर, नहीं आएगा। पैंट मेरे किसी ढीला है ना, उसे टच हो लगा घुस के अंदर, नहीं आएगा। बस वहां से अपने जो सब सामान इधर स्टार्ट कर लो, वैसे मुश्किल आएगा उसको, अपने क्या मतलब उसको, कह रहा है ये इंसान आके मेरे को मनाली में परेशान कर रहे हैं। मस्त अपनी पार्टी में आया हुआ रात में लेट, उसकी मम्मी ने घर से बाहर निकाल दिया, वो यहाँ पे लटका पड़ा है यार। ये क्या बिस्किट्स, ठीक है चलो आज हम जा रहे हैं, डोंट वरी, इंजॉय इंजॉय द वाइब। फुल लॉन्डो को बुला के यहाँ पे पार्टी करना, डोंट वरी। सो दिस इज आर रूम, ये हमारी एंट्री है यहाँ से, और ये बेड मिलेगा आपको क्वीन साइज का, फिर यहाँ पे एक मिरर, देन देयर टेबल का स्टैंड, इधर बालकनी है। मैं पहले यहाँ का आपको व्यू दिखा देता हूँ, दिस इज आर व्यू, मैं आपको बोल रहा था ये यहाँ का व्यू है, और इधर मैं हूँ, यहाँ पे ये रिवर व्यू भी है साइड में, और ये कुछ नीचे का ऐसा दिखता है, अच्छा है काफ़ी, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में भी है, व्यू भी काफ़ी अच्छा है यहाँ से। अभी हम लोग बस चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि सामान मेरे तुम देख सकते हो बैग पे भी, पीठ पे भी, और पिजा के भी है, बैग जा चुका है। इधर ये दो सोफे पड़े हुए हैं, इधर भी एक व्यू है, ये भी मैंने आपको दिखाया था, और इधर से भी रिवर का व्यू है, और इधर से भी, और ये अपना बाथरूम, इधर वॉश बेसिन है सामने, इधर भी एक व्यू दिखता है यहाँ से भी। वैसे भी ये आपको शायद पिजा की वीडियो में दिख जाएगा अच्छे से, बट मैं जल्दबाजी में दे रहा हूँ क्योंकि तो इसमें तो बस इतना ही है आज के लिए यार, अच्छा लगा काफ़ी। ये हमारा रूम, आई मिस द रूम, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो पक्का कभी ट्राई करने की कोशिश करूँगा। लाइट ऑफ, ब्लॉक उधर से एंट्री मत गिरानी है शायद, वो अपने हिसाब से कर लेंगे। ये यहाँ से भी इधर व्यू दिखता है ब्रिज, यहाँ से हम जा रहे हैं। तो हमने अपने होटल से चेकआउट कर दिया है, अभी हम थोड़ा यहाँ पर आए हैं सामने, इधर रिवर जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करना थोड़ी देर, क्योंकि ये भी यादें रहेंगी, मेमोरीज हम लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो अरे हैं इधर, वहाँ पर प्रिया है, ये ब्रिज ऐसे बाउंस होता है, मैंने कल रात को देखा इधर, बट यहाँ पे कभी भी आओ तो स्लीपर में आओ, मेरा ऐसा लगता है मुझको। नहीं नहीं ठीक है।
जो है वहाँ से हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, जहाँ पे मैं सुबह पी थी चाय, क्योंकि ये चाय याद आएगी। और यहाँ पे प्रिया सिंह बैठी हुई, इनका बैग इधर रखा हुआ, मेरा बैग अच्छा उधर है, ठीक है। और एक हमारा बैग है रेड वाला, वो हमने अंदर होटल में ही रख रखा है अभी यहाँ पर। और ये चाय की शॉप है जो कि काफ़ी अच्छी चाय मिलती है, तो लेट्स लास्ट चाय, जल्दी आएंगे, कोई नहीं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमें अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए। चलो जी अब यहाँ से चलते हैं, ये हमारा होटल है, अपने रूम को बाय बाय बोलते हैं, बाय, अपनी चाय की टपरी को भी बाय बाय बोलते हैं, बाय, मिलते हैं जल्दी, जब जाएंगे तब बोलेंगे, इसको भी बाय बाय बोल के जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं माल रोड, और उसके बाद थोड़ी टाइम यहाँ पे हम गुजारा करेंगे, क्योंकि हमारी बस है 5 बजे और अभी टाइम हो रहा है करीबन 2:30। तो प्रिया यहाँ वॉशरूम जा रही है, उसके बाद स्कूटी, अभी हमने यहाँ से हमने स्कूटी ली थी, वहीं पर लगेज भी रख दिया है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। दैट्स इट। सो अभी हम लोग खा रहे हैं इधर डोसा, मसाला डोसा, पहले मैं प्लेन डोसा बोलने वाला था, लेकिन सर मैंने मसाला डोसा बोल दिया, क्योंकि प्लेन मेरे साथ हुआ है ना, उसमें आलू नहीं होते अंदर, तो खा लेते थोड़ा हल्का फुल्का ले रहे अंदर, दैट्स इट, क्योंकि ट्रैवल करना है, वॉमिटिंग होने लगती है मुझको। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है, नारू इटाची का होगा, इटाची है, इटाची है। हाँ एक सास के ले सकते हैं, एक इटाची तो लेना ही लेना है ब्रो, क्या आवाज़ कर रहे हो, 3 ले रहा हूँ मैं, सास के लगी, क्या आवाज़ कर रही हूँ, सास के नारू का इटाची कैसे तभी आकाश को ये पता नहीं क्या जो भी होता है ये लेना है। आया कुछ समझ? हाँ जो भी ये ताम जाम होता है वो इनको लेना है। क्या यार तुम इनमें इतने सब चीजें देख रहे यहाँ पे भैया देखते हैं मनाली, इतना खुश हूँ मैं, क्या बताऊँ, मेरे पास सास्के, नारुतो, काकाशी एंड इटाची, ये 4 मैंने लिए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे अब कुछ नहीं लेना है, मैं घर पे आकर इसको दिखाऊंगा तुम लोगों को, जहाँ पे मैं रखूँगा, बट इसके लिए सेट करूँगा मैं, सही है। और यहाँ पे फिर है यहाँ से शॉप से, ये यहाँ पे शायद कोई मासा वगैरह का वो है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये वही है शायद जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी है, आई थिंक। सो अभी हम लोग माल रोड से जा रहे हैं, जो भी सामान लेना था वो ले लिया है, यहाँ कोई साइड है पार्क वार्क है, वहाँ भी देख लेते हैं क्या है भाई, उसके बाद शाम को अपनी बस है। 3:30 का टाइम हो रहा है, तो अभी टाइम 5:45 पे बस है, तो अभी हमारा टाइम है ऑलमोस्ट 2 घंटे, तो वी कैन स्पेंड हेयर और उसके बाद बस में। ये पीछे कोई पार्क है, यहाँ पे अभी हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि ऐसी इसमें कुछ था नहीं था देखने के लिए, बाहर से हमने पढ़ लिया, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं अभी स्कूटी से घूमेंगे 1/2 घंटे, उसके बाद फिर अपने बस स्टॉप पर वेट करेंगे बस का। पर मैं बाहर से कर सकता हूँ पार्क, ये लंबे लंबे पेड़ बने पड़े हैं, और ये उधर प्रिया जाती हुई। अभी पूरा 1 घंटा है बस निकलने में, अभी 4:45 हो रहे हैं और वहाँ पे प्रिया वेट कर रहे हैं, मैं बस को देखने आया हूँ कि हमारी बस कौन सी है, कहाँ है, मिल गई, ये है जिस। मेरा पोपट करवा दिया इस लड़की ने, बस यहाँ पे ये खड़ी हुई है बिल्कुल उसके सामने, ये खड़ी हुई बस हमारी, और इसने मेरे को बताया नहीं पूरा वहां तक घूमा दिया। मुझे नहीं पता, तुमने ही बताया मुझे, अब तुम हंसते हुए तुम लगा कुछ तो गड़बड़ हो गई है। गलत बात गलत बात की मुझे पता है, मैंने देखा ये चंडीगढ़, चंडीगढ़
चलो एक बार मैं पूछ लेता हूँ किस टाइम चलेगी, हम सामान वामान रखते हैं ठीक है। अब उठ क्यों गए, लेट हो अभी इधर? हमारी सीट कंफर्म हो गई और ये महाराज आते सीधे लेट गए पहले। नहीं हो जाएगा जैसे तुम कह रहे थे ना, देखो इधर हो जाएगा शूट, हो जाएगा हाँ हो जाएगा। और उसके अलावा भी सबसे पहला नंबर हमारा ही है, सबसे पहले हम लोग आके लेट गए। आगे सोने की तैयारी सीधी, कंबल दे दो तुम्हें, कंबल ऊपर रख जाओ। चलो गोलगप्पे के बाद अगर पानी नहीं पिया तो फिर क्या गोलगप्पे खाए, और लास्ट में एक पापड़ी नहीं ली जो होती है। तुम तो पता नहीं हो, एक वो भी दे देना भैया पापड़ी सूखी, ये तो जरूरी है। जो इसमें मजा है ना गोलगप्पे के बाद, वो किसी में मजा नहीं है। मैं नहीं खा रहा, ये लीजिए भैया। चलो कुछ टाइम देख सकते हैं इन पहाड़ों को, क्योंकि इसके बाद तो फिर पता नहीं कब देखने को मिलेंगे व्हाइट वाले पहाड़ भी। आई मिस द माइन फ्रेंड्स, मैं इधर सूसू करने आया हूँ वैसे। बस चलने में सिर्फ 5 मिनट बाकी, और हम लोग कितने गंदे लग रहे हैं, रीजन है क्योंकि हम घूमे भी है ना बाहर, धूल में थोड़ा चेहरा सर्दी की वजह से वैसा हो गया है, अजीब सा फील हो रहा है, मेरे भी यहाँ पे अजीब सा फील हो रहा है इस साइड और इस साइड। और एक्साइटेड है घर पे जाने के लिए, अभी यहाँ पे हम पहाड़ों को बाय बोल रहे हैं, बाय बस हमारी चल गई है जय माता दी का नाम लेके, हमारे सेव चल रही है, अच्छे से पहुंचूंगे घर पे। दूसरी गाड़ी चलाने में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, मनाली से मनाली। ये हमारा होटल, ये रास्ता है इसका, ये सामने और वो सामने हमारा होटल, वो रहा ये रहा। आई मिस यू ब्रो, बाय बाय। लवी देखो ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये वाला ये जो ऊपर है ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, सारे दिख रहा है। हाँ, क्या ये पहाड़ है तो जब वो थे ना जो हनुमान जी, हाँ तो लोग चरू बिट्टी के लिए उन्होंने वो पहाड़ उठा लिया था। हाँ यार मैं तो पूरा पहाड़ उठा लिया था यार, संजीवनी मोनी के लिए हनुमान जी, यार जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बजरंग बली, कितने और तो घमंड नहीं था मैं ताकत पे, ये चीज अच्छी लगी मेरे को, घमंड नहीं था। हाँ मैं बिल्कुल भी वो नहीं था, गुरूर कि मैं इतना ताकतवर हूँ, कोई पूरा पहाड़ उठा दिया उन्होंने और एक संजीवनी बूटी के लिए, तो एक मतलब ये वो होता है ना। और तुमने क्या करा मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए, कैसे भक्त हो तुम मेरे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं मंडी और यहाँ पे गाड़ी रुकी है, 9:30 का टाइम हो रहा है, अभी हम लोग कुछ खाएंगे खाना, यानी पता नहीं कुछ डिसाइड ही नहीं किया, मैंने डिसाइड किया इसमें से एक तो मसाला कुलचा, बटर रोटी और दाल फ्राई, हाँ बस खाएंगे। और मैं रास्ते में ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, और फिर अभी शूट रखी नहीं तो फिर मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था सामने। अपने घर पे भी है, चल रहे हैं ऊपर।